बना रही हूँ शिमला मिर्च पनीर। इसके लिए हमने लिया है प्याज, प्याज हमने थोड़ा बड़ा बड़ा मोटा मोटा काटा है और इसके एक एक पार्ट्स को मैंने खोल लिया है, मतलब इसको अलग अलग कर लिया है। और यह है पनीर और यह है शिमला मिर्च। सबसे पहले हम प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे, कढ़ाई गर्म है, तेल गर्म है, हमने यहाँ प्याज की बंकी कटी डाल दी है। फ्राई करेंगे, थोड़ा ब्राउन होने देंगे, उसको इसके बाद शिमला मिर्च डालेंगे। मैंने डाल दिया, ब्राउन करने के लिए छोड़ेंगे। तब तक हम थोड़ा टमाटर प्यूरी तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास रेडीमेड है बना बनाया तो ठीक है, नहीं तो आप घर वाले टमाटर यूज करके बना लीजिए। प्याज हल्का ब्राउन हो रहा है, अब हम डालेंगे शिमला मिर्च। बिल्कुल जलाने जैसा नहीं करेंगे इसको, थोड़ा सॉफ्ट में सारे शिमला मिर्च डालेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च भी थोड़ा फ्राई होगा। उसके बाद इसमें हम पनीर और टमाटर प्यूरी डालेंगे, उसके बाद पनीर डालेंगे। होने देंगे, थोड़ा नमक डाल देते हैं पहले ही। नमक डालने से सॉफ्टनेस जल्दी आ जाएगी शिमला मिर्च में, शिमला मिर्च थोड़ा कड़ा होता है। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर प्यूरी, बहुत ही कम गैस पे इसको फ्राई करिए। अब डालेंगे हम पनीर, इसके साथ ही हम डालेंगे अपने घर की सारी कुटी हुई मसाले, धनिया मिर्च, काली मिर्च वगैरह हमने सब कुछ मिक्स करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो हम ये डालेंगे। अपने टेस्ट के अनुसार डाल लीजिए आप। उसके बाद हम थोड़ा इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। मसाले में तो लाल मिर्च ऐड है, पर थोड़ा ज्यादा स्पाइसी खाना है तो अलग से डाल लेंगे। मैं ये डाल देंगे थोड़ा, बहुत ही थोड़ा, आधी चम्मच से भी कम। इसमें हम थोड़ा डालेंगे ग्रीन चिली, सॉरी रेड चिली सॉस, मार्केट में मिलता है अवेलेबल, तो आप इसे ऐड करिए थोड़ा सा, ये आपके स्वाद को और अच्छा बढ़ा देगा और स्वादिष्ट बनाएगा। इसे थोड़ा पकने देंगे। नमक मैंने उस समय थोड़ा कम डाला था, सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज के अंदाज से डाला था। अभी मैं थोड़ा और डालूंगी और इसमें मैं थोड़ी सी चीनी ऐड करूंगी, थोड़ी सी, बिल्कुल जितना मैंने लाल मिर्च डाला उतना ही चीनी डालूंगी। इससे बिल्कुल आपको होटल वाली टेस्ट आएगी, जो आप चिली पनीर खाते हैं बिल्कुल आपको जैसी टेस्ट आएगी। आप इसका कलर भी देख रहे हैं कितना अच्छा, बनाने में कितना सुंदर इसका कलर दिख रहा है, बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि आप इसे घर में बनाए हैं। ये थोड़ी सी बटर, बिल्कुल थोड़ी सी बटर ली हुई है मैंने, अभी ये सब कुछ पक चुका होगा, बस एक मिनट और थोड़ा सा शिमला मिर्च को सॉफ्ट होने के लिए छोड़ के ढक देंगे, या फिर खुले खुले ही पका लीजिए, नहीं तो पनीर टूट जाएगा, क्योंकि ये पैकेट वाला पनीर है नहीं। और उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। हमारा तैयार है बिल्कुल शिमला मिर्च और पनीर।